हरियावां थाना क्षेत्र के उज्जवल में दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक की पिटाई कर दी गई, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गांव शव पहुंचा तो परिजनों ने सड़क पर शव रख कर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे सीओ हरियावां ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा देकर जाम खुलवाया। हरियावां थाना क्षेत्र के उज्जवल निवासी कमलेश अपने घर से सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए निकला था। आरोप है कि इसी बीच उसी गांव के रक्षपाल आदि ने उसे पकड़ लिया और उसको मारने पीटने लगे। मारपीट के दौरान उसके सर पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया, जिससे वो बेहोश हो गया। परिजन उसको लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में उसकी मौत हो गई। परिजन शव लेकर गांव पहुंचे और उसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने मंसूर नगर बेहटा गोकुल मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। मृतक के भाई अवधेश ने बताया कि हरियावां पुलिस ने आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की है। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने अनोखा प्रदर्शन किया है। दिव्यांग सपा नेता ने जिले के भरतकुंड क्षेत्र के निषाद बस्ती में जाकर लोगों को सरसों का तेल उपलब्ध कराकर सपा द्वारा की गई घोषणाओं को बताया तथा बेरोजगारी में महंगाई से लुट चुकी जनता के बीच सरसों का तेल वितरण कर जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। सपा नेता ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की जनता भूख, भय व भ्रष्टाचार से त्रस्त है और यही उसके पतन का भी कारण बनेगा। देश के प्रधानमंत्री तथा सूबे के मुख्यमंत्री को क्या पता है कि गांव में घर परिवार कैसे चलता है। एक कमाता है और 10 को खिलाता है, तब चलता है घर परिवार। बेतहाशा पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ तथा सब्जियां और सरसों के तेल आदि में मूल्य वृद्धि करके भाजपा सरकार गरीबों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। सपा नेता ने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लोगों को मूलभूत सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के बजाय केवल नाली, सरोवर व उपवन का ही विकास कर रही है। दिव्यांग सपा नेता ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। रामनगरी अयोध्या के गोलाघाट स्थित झुनकी घाट के पास सरयू नदी में स्नान करने आए 3 युवक नदी में डूबने लगे। स्थानीय गोताखोरों व जल पुलिस की मदद से इनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक युवक पानी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि घटना अयोध्या कोतवाली के झुनकी घाट की है, जहां 3 युवक सरयू नदी में स्नान करने आए थे, जो हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 2 युवकों को बचा लिया गया और एक युवक जल की तेज धारा में बह गया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों युवक बाराबंकी के सैद खानपुर गाँव से अपने परिवार के साथ सरयू में स्नान करने के लिए अयोध्या आए थे। नदी में डूबे युवक की तलाश की जा रही है। खबर बहराइच जिले के कोतवाली देहात के शेख दाहिर से है, जहां गांव के किनारे बने तालाब में नहाने गए 12 वर्ष के मासूम की डूबकर मौत हो गई। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने की वजह से यह हादसा हुआ। मासूम के डूबने की सूचना पर मौके पर पहुंचे PSA के जवानों ने मोटरबोट के जरिए तालाब में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन मासूम के शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मासूम की मौत से घर में मातम का माहौल है। अयोध्या में खाद विक्रेता पर 2 बदमाशों ने सरेआम फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। खाद व्यापारी आयुष वर्मा रामपुर भगन की दुकान बंद करके अपने घर तारून थाना क्षेत्र के नागपाली गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में थाना पूरा कलंदर के कोडरी गांव के पास हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को रोक लिया और फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली व्यापारी के दाहिने हाथ में लगी, जिससे वो घायल होकर जमीन पर गिर गया। तभी मौका देखकर बदमाश 2.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल खाद विक्रेता को जिला अस्पताल भिजवाया और नाकाबंदी कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि घटना रविवार की देर शाम लगभग 8 बजे के आसपास की है। इस मामले में SSP शैलेश पांडे का कहना है कि थाना पूरा कलंदर क्षेत्र की कोडरी गांव के पास घायल युवक आयुष वर्मा पर 2 परिचित युवकों द्वारा फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूटने के मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।